नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित दीक्षित और सिलेक्शन मेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सामान्य गणित का आज 11वां लेक्चर है और रेशियो का 4था पार्ट है, यानी उत्तर प्रदेश लेखपाल की ये हमारी गणित की 11वीं क्लास है और अनुपात का 4था लेक्चर है। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछली क्लासेज में आपने देखा बेसिक्स हमने पढ़े थे, बेसिक्स के बाद हमने सिंगल रेशियो में चेंज करना पढ़ा था और सिंगल रेशियो के बाद हमने पढ़ा था कि रुपए को उम्र को आपस में बांटते कैसे हैं। तो बस उन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए आज लेखपाल की अगली क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने क्वेश्चन जो है वो है ये पहला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। लिखा है 1% डिस्ट्रीब्यूटेड 8600 रुपीज़ टू हिज 5 सन, यानी एक व्यक्ति ने अपने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजों में बांटे। 1% डिस्ट्रीब्यूटेड 8600 रुपीज़ टू हिज 5 सन 4 daughters एंड 2 nephews। इफ ईच डॉटर गेट 4 times द nephew एंड ईच सन गेट्स 5 times द nephew, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ईच डॉटर। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा या प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस प्रश्न को करने से पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास का मतलब क्या कि आप देखिए ज़रा कि लिखा क्या है इसमें। इसमें हमसे पूछ रहा है, कह रहा प्रत्येक बेटी का भाग बताइए, प्रत्येक बेटी का भाग। आप समझिए, सबसे पहले इसने जिनको जिनको पैसे बांटे हैं हम वो लिख लेते हैं, यानी बेटे को पैसे बांटे हैं हमने बेटे को लिख लिया, यानी बेटे, ठीक। बेटी को पैसे बांटे हैं तो बेटी लिख लिया, ठीक। और भतीजे को पैसे बांटे हैं, किसको, भतीजे को। थोड़ा सा अगर गौर करें तो क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को, भैया बेटी ये है और बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलेगा, ठीक। तथा क्या लिखा है, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना और बेटे को भी भतीजे का 5 गुना मिल रहा है, ठीक। आप अगर गौर करें तो प्रत्येक बेटे और प्रत्येक बेटी को उसने कंपेयर किया है भतीजे से, यानी तुलना की गई है भतीजे से। तो देखिए, आपको ये बात पता है कि जब हम किसी से तुलना करते हैं तो हमेशा उसको एक्स मानते हैं, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि अब हम एक्स नहीं मानेंगे और एक्स के बदले क्या मानेंगे, एक मानेंगे। तो बस हमें भी यही करना है, यानी भतीजे से तुलना की है तो भतीजे को मानना है एक, क्या मानना है, एक। और बेटी को 4 गुना पैसा मिला है तो बेटी हो गई 4, ठीक। और बेटे को मिला है 5 गुना तो बेटा हो गया 5, ये हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है वो समझिए। अब हमें करना यह है कि ये तो प्रत्येक बेटा बेटी और भतीजे का हिस्सा आ गया प्रत्येक, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए कि कितने बेटे हैं, 5। जब एक बेटे को 5 हिस्सा मिलता है तो 5 बेटों को कितना मिलेगा, 25 हिस्सा कुल, ठीक। रेशियो, बेटियां कितनी हैं, 4। एक बेटी को 4 हिस्सा मिल रहा है तो 4 बेटियों को कितना मिलेगा, 16। भतीजे कितने हैं, 2। एक भतीजे को 1 हिस्सा मिलता है तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा, 2। और बस टोटल रुपया हमारे पास कितना है, 8600 रुपया है। अब आपको बांटने का भी पता है कि हम कैसे बांटते हैं। एक तो पहला तरीका कि रेशियो को सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, यानी अनुपात तिक योग को अनुपातों के योग से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा योग था, ठीक है। अच्छा, योग हमारा कितना है, 8600, अनुपातिक योग क्या होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक। तो पहला तरीका बांटने का क्या कि 8600 यानी योग को अनुपातिक योग यानी 25, 16, 41 और 2, 43 से डिवाइड कर दें, बात वही आ गई। चाहे आप डिवाइड करिए या अगर आप देखें तो 43x यानी 43 रेशियो की वैल्यू 8600 रुपीज़, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 200। वैसे ही 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 200। अब अलग अलग हिस्सा निकालना है तो कह रहा है प्रत्येक बेटी का हिस्सा, तो प्रत्येक बेटी को कितना हिस्सा मिला है, 4 रेशियो, तो 1 बराबर 200 तो 4 बराबर कितना होगा, 800। आंसर आपके सामने,
ठीक, तो पहला प्रश्न हो चुका है, हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है तीन कारों की गति को अनुपात 5:4:3, यानी तीन कारों की जो गति है उसका अनुपात है कितना, 5:4:3। ठीक, कह रहा समान दूरी तक जाने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताइए, उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात। देखो आपको इतना तो पता है कि जो हमारा टाइम होता है वो स्पीड का विपरीत होता है, यानी इनवर्स होता है। यानी अगर स्पीड हमारी ए और बी है तो जो हमारा टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, बी इज टू ए। तो ये कतई ऐसा मत सोचना कि जस्ट उल्टा ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है। देखिए हमने माना कि स्पीड यानी चाल, स्पीड क्या है, चाल क्या है हमारी, स्पीड यानी चाल है 5:3। कितना है स्पीड यानी चाल, 5:3। अब 5:3 है तो हमको ये पता है कि टाइम हमेशा इनवर्स होता है, यानी हम जितना तेज चलेंगे समय उतना कम लगेगा और जितना धीरे चलेंगे समय उतना ज़्यादा लगेगा। तो हमें एक काम करना है, क्या करना है, जस्ट उल्टा नहीं लिख देते हैं हमेशा, ये तो जब भिन्न नंबर होते हैं तब लिखते हैं, यानी अलग अलग नंबर। हमें क्या करना होता है वास्तव में, जो इसका बेस होता है हमें इनका निकालना होता है एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या है, 15, और बस डिवाइड कर देते हैं। तो 15 को पहले 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आया, और 15 को फिर 3 यानी 3 से डिवाइड करते हैं तो 5। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब ये ध्यान रखना कि हमेशा हमें उल्टा नहीं लिख देना है कि अगर 4 और 2 दिया है तो आपने 2 और 4 लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है उसके बाद फिर डिवाइड करना है। देखिए ज़रा तीन कारों की चालों का अनुपात, तीन कार हैं उनकी चालों का अनुपात, ए बी सी कार हैं उनकी चाल यानी स्पीड का जो रेशियो है वो है 5:4:3। तो कह रहा है कि उनके समय का अनुपात, तो हमें पहले क्या निकालना है, एलसीएम। 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, कोई बता सकता है, 60 होगा। ठीक है, 5, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। अब भाग देते हैं ज़रा, देखते हैं कितना आ गया, 12, क्योंकि डिवाइड किया अब 60 को 5 से, 4 से डिवाइड करते हैं 60 को, कितनी बार जाएगा, 15 बार, और ये 20। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। तो बस इतना हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें करना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के डिवाइड करना है, हमेशा उल्टा नहीं लिखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 117 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। अच्छा ठीक है, पर गलती से 2-3 के अनुपात में बट गया, तो सबसे पहले लाभ किसको हुआ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको बांट लेते हैं 1/2, पहले बांट लेते हैं 1/2, 1/3 यानी 1/3 और 1/4 के अनुपात में, तभी तो पता चलेगा पुराना हिस्सा या असली हिस्सा क्या था। ठीक, अच्छा जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी, सेकेंड लास्ट क्लास हुई थी इस समय, तो हमने क्या बताया था कि जब भिन्न में अंश और हर दिए से दिए हैं तो इसको हमें सिंगल रेशियो में चेंज करना है, और सिंगल रेशियो में चेंज करने के लिए आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी हर, उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका, 2, 3 और 4 का, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो हमें एलसीएम निकाल के हमें अंशों में गुणा करना होता है जिससे ये सिंगल रेशियो में बदल जाते हैं। तो देखो कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 3, अब ये सिंगल रेशियो में बदल गया। बांटा जाना था तो पहले इसको बांट देते हैं, था का मतलब कर दो, हो गया तो कर दिया। देखते हैं जरा करके हमें कैसे करना है, क्या करना है, जो 117 है उसको हमें 13 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 13 से। यानी अगर हम देखें तो देखो 6, 4, 10, 3, 13, यानी 13 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 117। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ₹9। जब एक की 9 होगी तो हम अलग अलग हिस्सा निकालते हैं, पहले ए का, तो ए का है 6, ठीक, बी का 4 और सी का कितना है हमारा, 3। तो देखते हैं जरा किसको कितना पैसा मिला है। ठीक, तो देखो गुणा करते हैं तो 54 रुपये मिला है, किसको मिला है 54 रुपये, यानी ए को। बी को कितना मिलेगा, 4 हिस्सा था यानी 36 रुपये मिला है बी को, और सी का कितना हिस्सा था, 3, तो कितना मिला है, 27 रुपये मिला है सी को, मिला है 27। देखिए
नौ छक्का 54, नौ चौको 36 और नौतियाँ 27, यानी 9 6 54, 9 4 36, 9 3 27। ओके, ये तो इसमें बटना था, लेकिन बांटा हमने गलती से किस में वो देख लेते हैं। हमने गलती से बांट दिया है इसको दो तीन और चार में, तो बांट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी और सी में 2:3:4 में बांट देते हैं, और जब बांटेंगे तो होगा 117। तो देखते हैं जरा, 4 3 7 और 7 2 9, 9 रेशियो की वैल्यू 117, हमें लगता है 13 बार जाएगा, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 117 जो था हमारा, ये 9 रेशियो की वैल्यू थी, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 13। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा किसको मिला। ठीक, तो सबसे पहले ए का हिस्सा 2 से गुणा कर दें, तो देखो ज़रा 13 2 26, ए को इतना मिला है। ठीक है भाई, कम हो गया, देखो यहाँ पर ए 54 था और यहाँ पर है 26, तो ए को तो लाभ नहीं हुआ, ख़त्म और ख़त्म। बी की बात करते हैं, बी को मिला है 3, तो देखो 13 3 39 रुपये मिला है इसको, 39 बी को, 33 39, यानी इसको लाभ हुआ है। अभी और देखें आगे क्या लाभ होता है। सी को कितना मिला है, 4, यानी कितना मिला है इसको, 52 रुपये। अच्छा, इसको भी लाभ हुआ है, यानी सी को 52 रुपये मिला है। तो अब हमसे क्या बोल रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, सबसे अधिक लाभ। तो हम देखें ज़रा, तो सबसे अधिक लाभ हमारे नॉलेज में किसको हुआ है, बी और सी में से, भाई दोनों को लाभ हुआ है, तो बी और सी में सबसे अधिक लाभ जो हुआ है वो सी को हुआ है, क्योंकि पहले इसके पास 27 रुपये थे, अब इसके पास कितने हो गए हैं, अब इसके पास हो गए हैं 52। यानी अगर 52 में से 27 को माइनस करें तो हमें ये पता है कि सी को 25 रुपये का लाभ हुआ है, किसको, सी को, और यही सबसे अधिक है, क्योंकि बी को सिर्फ 3 रुपये का लाभ। ठीक, बस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं जानते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। यदि थैले में कुल धन 180 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। देखिए, करना हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसे प्रश्नों के लिए। देखिए क्या करते हैं हम, ये जो अनुपात लिखा है ना, इसको हम रुपयों में बदल लेते हैं। कैसे, देखो जरा, ये जो 1 रुपये थे हमारे पास, 50 पैसे थे और 25 पैसे थे, ठीक, इनका जो अनुपात था वो 2 था 3 था और 4 था। तो आप एक बात बताओ, अगर 1 रुपये के जो अनुपात है सिक्कों का, वो हमने मान लिया इनकी मात्रा, क्या मान लीजिए, मात्रा यानी क्वांटिटी, यानी जितने ये थे इनकी संख्या मान ली हमने, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 रुपये का अनुपात 2 था और 1 रुपये के 2 ही सिक्के थे, तो रुपए कितने बन गए, 2, ठीक, कितने रुपए बन गए, 2 रुपए बन गए, ठीक। 50 पैसे के 3 सिक्के थे तो कितना हो गया है, 1.5 रुपये, ठीक। 25 पैसे के 4 सिक्के थे तो कितना रुपया हो गया, 2 रुपये। तो अगर आप गौर करो, 2 2 4 और 1 5, यानी 5 रुपये 50 पैसे हमारे टोटल बन गए, ठीक, कितने बन गए, 5 रुपये 50 पैसे, सॉरी 25 चौको 100, यानी 1 रुपये हुआ, हाँ 1 रुपये हुआ, एग्जैक्टली 1 रुपये हुआ, ये हुआ है 25 पैसे वाला हमारा 1 रुपया, सॉरी। तो एक बार फिर से इसको कर देते हैं, तो अब हम देख लेते हैं ज़रा कि क्या है, 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपये। तो अब देखें जरा, 2 रुपये तो ये हो गए, ठीक, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी 1.5 रुपये ये हो गए, और 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपये, तो 2 1 3 1 4, यानी रुपया कितना हो गया, 4.5। 4.5 रेशियो बना है, क्योंकि ये भी रेशियो ही था, ठीक। अब थैली में कुल धन कितना था, 180, तो दिक्कत कहाँ है, देखो कुछ नहीं करना है, 4.5 रेशियो की वैल्यू है 180 रुपये, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, जरा जल्दी से हमको डिवाइड करके बताइए आप लोग कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1 रेशियो की वैल्यू
एक रेशियो की वैल्यू होगी कितनी, 180/4.5, 0 हटाएंगे, 0 लगेगा, ये हटाया, यानी कितनी बार गया, 4, और 0 यानी 40 बार, 40 बार गया है, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई, क्योंकि 4.5 था तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 40। ठीक, अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है कौन से सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसे, तो कोई दिक्कत नहीं ना, हमको कुछ नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, अगर 50 पैसे का लिए पूछता है तो हम क्या करेंगे, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 3, तो हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ गया 120 सिक्के, 120 क्वाइन, 120 सिक्के यानी 120 क्वाइन आ गया, और हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया है, फिर से समझ लीजिए एक बार भाई, हमने क्या करना है, एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना करना है कि हमारे पास 1 रुपये के सिक्के थे उसका, और 50 पैसे के सिक्के थे और 25 पैसे के सिक्के थे, अनुपात के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो 1 रेशियो की वैल्यू यानी टोटल रुपया आ गया है 4.5 रेशियो में। ठीक, और टोटल रुपया वैसे वास्तव में कितना है, 180, तो हमसे पहले हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लें, तो 180/4.50 निकालते हैं। देखो ज़रा, दशमलव हटाएंगे पहले, कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो, ये कट गया, भाग दे दिया, 45 चौको 80 यानी 40, उठा के गुणा कर दो, आंसर आ गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन सेम है, देखते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन, 90 रुपये की राशि है और इस 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तो देखते हैं ज़रा पहले कि 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और इनका अनुपात भी दिया है। अनुपात क्या दिया है, 2, 3, 5, तो रुपए में बदल लेते हैं, 2, 3 और 5, तो देखो जरा, जब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो रुपया बनेगा 1, 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो रुपए बनेंगे 75 पैसे, ठीक, और 10 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो बनेगा 50 पैसा, कितना बनेगा, 50 पैसा। तो अगर हम गौर करें और इसमें हम ऐड करना शुरू करें, तो आप अगर गौर करिए तो कितना रुपया बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 1 रुपये, 50 पैसे यानी 1.5 रुपये, 1.5 रुपये में 75 पैसे यानी 2 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये 25 पैसे रेशियो कुल योग आ गया, और कुल योग कितना है, 90 रुपये, कितना है, 90 रुपये। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 रुपये की 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, 1 रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, तो देखते हैं ज़रा कि 2.25 अपॉन 90 रुपये था, तो हम 90 रुपये को 2.25 से डिवाइड करते हैं। ठीक, करते हैं भाई, 90 रुपये को 2.25 से डिवाइड करते हैं, इसको रफ करने के बाद देखते हैं भाई, तो 90 रुपये को 2.25 से डिवाइड किया, ठीक, दशमलव हटाया भाई तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। देखो इजी तरीका, आपको जैसे आता हो वैसे आप सॉल्व करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे आप डिवाइड करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, सबसे पहले करके देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 900 यानी 90, 9000, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 या 75, 25 6 150 यानी 360, और ये जाएगा 9 बार, तो कितना आ गया, 40। हमें कौन से सिक्के चाहिए, 25 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है भाई, है 3, तो 3 से गुणा कर दो, यानी कितने सिक्के आ गए, 120। कभी कभी होता क्या है, ये तो 120 सिक्के आए हैं, कभी कभी हमसे पूछ लेता है रुपए कितने बनेंगे, तो आप डिवाइड करके बता सकते हो, जब 25 पैसे के इतने हैं तो रुपए कितने बन गए, रुपए यानी अगर हम देखें तो 30 रुपये, और अगर 50 पैसे के पूछता है तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये। ठीक, अब 1 रुपये हो तो हमारा
पता चल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वाइन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जब तक देखो, फिर बताते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। पढ़िए ठीक से जरा। ₹1250 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के भाग का 2/9 प्राप्त करता है। ए बी के भाग का 2/9 प्राप्त करता है और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करता है। ठीक है भाई, देखते हैं। देखो क्या लिखा है, बी का मतलब गुणा कितना, 2/9 किसको मिल रहा है, ये मिल रहा है ए को। देखो एक चीज ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू जिसकी हम जिसको हम तोड़ते हैं वो होती है, और ऊपर की वैल्यू जिसको हम दे रहे हैं वो, यानी ऊपर का हिस्सा ये, नीचे का हिस्सा ये, तो रेशियो हमारा क्या बनेगा, बी अनुपात ए बराबर 9:2। पहली चीज। फिर क्या लिखा है, सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। सी जो है ए के भाग का 3/4 कौन, सी प्राप्त करे। फिर वही बात, जिससे हम तोड़ रहे हैं वो हमेशा नीचे और जिसको दे रहे हैं वो ऊपर। आपको भी ध्यान होगा कि नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है, ऊपर वाली वो जिसको हम शो कर रहे हैं। तो इसमें भी कह रहा है बी के भाग का, तो बी नीचे हुआ, ए के भाग का तो ए नीचे हुआ। ठीक, तो देखते हैं जरा अब कितना होगा, ए अनुपात सी ये कितना हो जाएगा हमारा, 3:4 ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम सिंगल रेशियो में चेंज कर लें, तो बी ए और सी। अब आप सोचेंगे ए को बीच में क्यों रखा, इसलिए क्योंकि कॉमन लेने की वजह से ये 2 बार आ रहा है तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बी ए मतलब 9:2। ठीक, और ए और सी मतलब कितना होता है, ए और सी है हमारा 4:3। अब देखते हैं जरा, 3 2 6, 4 2 8, 9 4 36, यानी 36। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, तो इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं बी ए सी, यानी 9:2, 4:3, साइड वाली वैल्यू लिख के। तो देखिए जरा साइड में हम क्या पुट करते हैं, जो बगल में होता है यानी 2, यहाँ क्या पुट करेंगे 4, बस कर दिया। देखो 3 2 6, 4 2 8, और ये 36, सेम आ रहा है ना, 36 8 6, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा तो अभी और छोटा हो जाए तो और छोटा कर लेते हैं, काट देते हैं 2 से, तो ये 18 बार, ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 3 बार। ठीक, और टोटल पैसा कितना है, 1250। ठीक, तो ए का शेयर बताना है, ए इज अ शेयर, है ना। देखो हिंदी में नहीं लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि ए का शेयर बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का बताना हो, बी का बताना, सी का, हम तो सब निकाल लेंगे। तो देखो जरा 18 4 22 और 3 25, 25 रेशियो की जो वैल्यू है वो दी है 125 0, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 50। हमें ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा यानी ए का रेशियो क्या है हमारा, 4 है, 4 ए का, तो कितना हो गया 200, कितना हो गया 200, आंसर हमारे सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से लग गया ये प्रश्न। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं उसके बाद करने का भी प्रयास करेंगे, पहले पढ़ने का उसके बाद करने का। लिखा क्या है देखते हैं जरा, लिखा एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात दिया है। अच्छा, कहानी की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। अच्छा देखो जरा, कहानी की पुस्तक, ठीक, और अन्य पुस्तकों का अनुपात कितना दिया है, 7:2 दिया है। ठीक, अच्छा लिखा है इसमें कहानियों की हैं 1512। ठीक है, कह रहा जब कुछ कहानियों की पुस्तक और मिला दें तो जो न्यू रेशियो होता है, न्यू रेशियो वो क्या बन जाता है, न्यू रेशियो बन जाता है 15:4। क्या बन जाता है, 15:4, कब, जब कहानी की कोई कुछ पुस्तक ऐड कर दी जाती है। ठीक, अच्छा दूर दूर तक अगर आप देखो तो 2 से 4 बढ़ रहा है,
तो कितना बढ़ा है? दो। लेकिन सात से पंद्रह बढ़ने में कितना बढ़ा है? सात से पंद्रह बढ़ने में बढ़ा है आठ। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम दिमाग लगा के लगाते हैं कि अगर ये सात और दो था, ठीक, सात और दो था, लेकिन यहाँ लिखा क्या है कि कहानियों की पुस्तक केवल बढ़ी है, अन्य पुस्तक नहीं, यानी ये वाली पुस्तक बढ़ी है। इसका मतलब अन्य पुस्तक का जो रेशियो था, जो संख्या थी, वो पहले भी वही थी जो अभी है। ठीक भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, यदि कुछ और कहानियों की पुस्तकों की इसका संग्रह कर दिया जाए, कहानी यानी कहानी की पुस्तक और जोड़ दी जाए, तो अनुपात 15:4 हो जाता है। इसका मतलब अन्य पुस्तकों को छेड़ा नहीं गया है, उनकी संख्या जितनी पहले थी अभी भी उतनी है। यानी पहले भी संख्या क्या थी? चार थी। पहले भी संख्या रेशियो में कितनी थी? चार थी। लेकिन चार थी और अभी भी कितना है? चार है। तो देखो जरा, पहले वाले से कितना था? दुगना। तो इसको भी दुगना करके देखें, कितना हो गया? दुगना। यानी पहले कहानी की पुस्तक का रेशियो क्या था? 14, और अब कितना हो गया? 15। जबकि अन्य पुस्तकों का रेशियो पहले 4 था और अभी भी क्या है? 4 ही है। वास्तव में हमने देखा तो कितना बढ़ गया है, आप खुद देखो कितना, 1:1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1:1। कितना बढ़ा है? 1:1। अब थोड़ा सा गौर करिए, जरा थोड़ा सा गौर करिए, कहानी की पुस्तकें हैं कितनी? कहानी की पुस्तकें हैं 1512, ठीक, 1512। और अब 1512, हमसे कहा था कहानियों की पुस्तकों की संख्या 1512 है, तो उसका अनुपात कितना है? 14। 14 बराबर 1512 पुस्तकें, तो 1 बराबर क्या हो गया? 108। और यही तो बढ़ा था 1:1, यानी कहानी की कितनी पुस्तकें और मिलाई गई? 108 आंसर आ गया। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखो जरा, कहानी की पुस्तक और अन्य पुस्तक का जो रेशियो था वो 7:2 था। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है जो न्यू रेशियो बना है हमारा, वो बना है 15:4। ठीक भैया, उसने कहानी की पुस्तक जोड़ी हैं, इसका मतलब अन्य पुस्तकें पहले भी वहीं थी, जोड़ने के बाद अनुपात ये हो गया। इसका मतलब पहले भी का अन्य पुस्तक 4:4 में थी, तो 4 लिख देते हैं। 4 कैसे हुई? जब इसको दुगना किया गया, तो इसको भी दुगना करके देखते हैं, कितना हो गया? 14। इसका मतलब इसका रेशियो पहले 14 था। अच्छा, कहानी की किताबें थी कितनी? 15:12, तो 14 बराबर 15:12, तो 1 बराबर 108। और यही तो पढ़ा है 1:1, यानी उत्तर क्या? 108 आंसर आ गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न क्या है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात। मासिक आय, देखो मासिक आय यानी मंथली इनकम। ए और बी की मासिक आय, मासिक आय का अनुपात 9:8 है, और उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 8:7 है। आप सोचो जरा, ए जो है ये 9 कमा रहा, कितना कमा रहा? 9। ए 9 कमा रहा, जिसमें से खर्च कितना कर रहा है? 8। ये 9 कमा रहा है और 8 इसमें से खर्च कर दे रहा, तो बचत कितनी कर रहा होगा भाई? बचत कर रहा होगा 1। ठीक, उसी तरह से बी 8 कमा रहा है, 7 खर्च कर रहा है, तो बचत क्या कर रहा होगा? 1। यानी दोनों की बचतें क्या हैं? बराबर। और इसमें लिखा भी है इनमें से प्रत्येक की बचत 500 हो, तो 1 बराबर 500 प्रत्येक की। जब 1 बराबर 500, तो ए की मासिक आय, तो ए की कितनी है? 9 है, तो 1 बराबर 500, तो 9 बराबर 500 × 9 कितना हो गया? 4500 उत्तर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अमित तथा वीर की वार्षिक आय। अमित तथा वीर की वार्षिक आय कितनी? वार्षिक आय यानी इनकम का अनुपात है 3:2, जबकि उनका खर्च है 5:3। भाई सबसे पहले तो ये हमें समझ ही नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया? कि इनकम इनकी कम है और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं भी संभव नहीं है कि हम अगर कम कमाएं और ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि हमारे पास जितना कमाएंगे उतना ही खर्च कर सकते हैं या उससे कम, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है समझते हैं। लिखा है यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000, प्रत्येक की, तो जरा देखो
यहां से यहां तक का डिफरेंस आ रहा है दो, और यहां से यहां तक का डिफरेंस आ रहा है एक। भैया अगर प्रत्येक की बचत 1,000 थी तो रेशियो भी प्रत्येक का बराबर होना चाहिए, सबसे पहली बात, और रेशियो बराबर होना चाहिए, दूसरी बात आय इसकी अधिक होनी चाहिए। तो भैया सबसे पहले ऐसे प्रश्नों से घबराते नहीं हैं हम, क्या करते हैं रेशियो को बराबर करते हैं, क्या करते हैं बराबर करते हैं, यानी करने के लिए, रेशियो को बराबर करने के लिए, रेशियो यानी अनुपातों के अंतर का गुणा विपरीत अनुपातों में करते हैं, विपरीत अनुपातों में करते हैं, अपोजिट अनुपातों में करते हैं, बस ये सही हो जाएगा। कैसे, देखो जरा, देखो अब समझना बहुत ध्यान से, ए इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं। देखो लिखा है अमित, ठीक, और वीर, इनकम दे दी है, कितनी दी है 3:2, ठीक, और खर्च दिया है यानी एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5:3, ठीक है। हमें क्या करना है, क्या लिखा है जरा, जो हमने नोट लिखा है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि रेशियो को बराबर करने के लिए अनुपातों के अंतर का गुणा विपरीत अनुपातों में करते हैं, विपरीत अनुपातों में, विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, विपरीत अनुपातों में। कैसे, तो देखो जरा नीचे 5:3 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2, यानी ऊपर 2 से गुणा, और 3:2 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी नीचे 1 से गुणा, बस बराबर हो गया। देखो कैसे, देखो जरा, देखो अमित और वीर, तो देखो 2 3 6, 2 2 4 पहली चीज, फिर देखो 1 5 5, 1 3 3, ठीक, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 2 2 4, तो देखो अमित और वीर की आय आ गई यानी इनकम आ गई, और 1 5 5, 1 3 3, यानी ये आ गया एक्सपेंडिचर, इतना सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखें जरा, ये 6 कमा रहा है और 5 खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब 1 की बचत कर रहा है यानी ये 1 सेव कर रहा है, ठीक, और ये 4 कमा रहा है वीर, 3 खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये भी 1 की बचत कर रहा है। अब देखो सही हो गया, यानी दोनों बराबर बचत कर रहे हैं और रुपया कर रहे हैं 1,000 रुपये बचत, ठीक, वर्ष के अंत में। तो अमित की वार्षिक आय, अब कोई दिक्कत नहीं, 1 = 1,000, तो अमित की वार्षिक आय का रेशियो 6, तो 6 = कितना होगा 6,000, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो अब बस ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, बस ये ध्यान रखिए हमें पुराने रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, जो नया बनाएंगे उसी से लेना देना है, ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और नई चीज़ें होंगी, आप बस जुड़े रहिए, बनाए रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।